Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Manju Malik. I'm a dietitian और जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे वो टॉपिक इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रीसेंट पास्ट में बहुत सारे जो लोग आए हैं हमारे पास डाइट के लिए वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ये है PCOS और PCOD. इंडिया की अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो हर चार या पाँच में से एक फीमेल इस प्रॉब्लम से उसको प्रॉब्लम है ये. तो ऑब्वियसली एक तरह से कहेंगे कि महामारी की तरह हो गया है. क्यों हो गया है, क्या है ये PCOS PCOD, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. PCOS यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS भी जिसे कहते हैं, या डिजीज या डिसऑर्डर. तो ये दोनों चीज़ें लोगों को सेम लगती है लेकिन डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ. PCOD यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज, जब ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ओवरीज तक सीमित रहती है तो ये PCOD कहलाती है. लेकिन जब ये एक तरह से पूरे आपके शरीर को कैप्चर कर लेती है, अपनी जकड़ में ले लेती है, तो इसे कहते हैं PCOS यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम. पॉलीसिस्ट यानी बहुत सारे सिस्ट. सिस्ट यानी एक तरल पदार्थ के छोटे छोटे ब्लिस्टर या बैग कह सकते हैं, गोल गोल, ये आपकी ओवरी में बनने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. उनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट, फीमेल की फर्टिलिटी पर, उसके कंसीव करने पर फर्क पड़ता है. ओवरीज जो होती हैं, फीमेल ओवरीज, वो एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं. उसके अंदर ओवरीज के अलावा फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, वजाइना होता है, सर्विक्स होता है. इन सब की फंक्शनिंग से, इन सब को टोटैलिटी में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे उन्हें कंसीव करने में और चाइल्ड डिलीवर करने में, बच्चा पैदा करने में हेल्प मिलती है. लेकिन PCOS PCOD एक ऐसी चीज़ है जो उस फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है और फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है, कम कर देती है. अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो और भी बहुत सारी परेशानी हैं जो आपको हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी कि जब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय मॉम, और जब वो पास्ट में जाकर बात कर रहे थे हम लोग, तो कुछ सालों पहले किसी भी फीमेल को अनवांटेड एरियाज पे दे नेवर हैड हेयर. उनके चिन पर, उनके अपर लिप्स को उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि नहीं होते थे बाल, अंडर आर्म्स में नहीं होते थे. लेकिन आज नॉर्मली सबको हैं. तो ऑब्वियसली उनके हार्मोन्स में, फीमेल हार्मोन्स जो हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं. इसके अलावा ये एक अवेयरनेस के लिए भी वीडियो मैं बनाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ जिन्हें, जिन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है PCOS या PCOD की, वो ना देखें बल्कि वो लोग भी देखें ताकि उन्हें नॉर्मली पता लगे कि क्या चीज़ है, कैसे बचा जाए इनसे. समवन हुज 12 ईयर्स ओल्ड या 15 ईयर्स ओल्ड, जिसको पीरियड्स हो गए हैं और मीनोपॉज यानी 45, आजकल 45-50 तक होता है, उन सब के लिए ये वीडियो है, ना कि सिर्फ उनके लिए जिन्हें PCOS या PCOD है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहूँगी कि ये इसके कॉजेज बोलते हैं कि अननोन है क्योंकि हार्मोनल है, हार्मोन्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. इसके कॉजेज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो आप आसानी से पकड़ सकते हैं और इसे ट्रीट कर सकते हैं. तो बात करते हैं फंक्शन के बारे में, आखिर कैसे ये पूरा फंक्शन होता है, कैसी साइकिल होती है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ये फंक्शन शुरू होता है वो होता है आपके ब्रेन से. आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. इस ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स बनते हैं, बेसिकली दो हार्मोन बनते हैं, LH और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन आपके ब्लड के थ्रू आपके ब्लड में जाते हैं, आपके ओवरी में जैसे ही जाते हैं तो 3 से लेकर 30 तक कितने भी मात्रा में फॉलिकल्स, जो मैंने बताया था फॉलिकल्स, फ्लूइड यानी एक तरल पदार्थ के भरे हुए छोटे छोटे बैग होते हैं, वो आपकी ओवरीज के अंदर आ जाते हैं. और ये कब होता है, ये जो आपको मेन से शुरू होते हैं तब. उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है फॉलिकल स्टेज, जहां जो आपके ब्रेन से हार्मोन आ रहे हैं उनका लेवल कम हो जाता है, लेकिन इन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, वो ज़्यादा बनते हैं. धीरे धीरे अगले कुछ 10 से 12 दिनों के अंदर ये फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं धीरे धीरे. बेसिकली इनका साइज बड़ा होता है और इनके अंदर एग जो होते हैं वो बनने लगते हैं धीरे धीरे करके.
और एंड तक जब ये फेज कंप्लीट होता है फॉलिकल फेज, उसमें से एक फॉलिकल का जो एग होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद अगला फेज जो आता है ओव्यूलेशन का फेज, ये एग उस फॉलिकल से रिलीज होता है और वो आपकी फॉलिपियन ट्यूब जो होती है वहां चला जाता है। और ये होता है ओव्यूलेशन का टाइम, यानी इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और कोई स्पर्म आता है तो यू गेट प्रेग्नेंट, वहां पे ये 12 से 24 घंटे तक रहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट ट्रैवल्स फर्दर, आगे और ट्रैवल होता है और रप्चर हो जाता है, यानी ये एग जो होता है वो टूट जाता है एंड देन यू गेट योर पीरियड। और ये कब होता है? जब आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन एमिनो एसिड होते हैं, वो ये रिएक्शन करते हैं और यू गेट योर पीरियड। लेकिन अगर आपको PCOS या PCOD हो जाता है तब ये सारा सिस्टम इस तरह नहीं चलता है। सबसे पहली बात, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। वैसे जो दो हार्मोन ब्रेन से बनते हैं उनका रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं होता है, ज्यादा बनता है। साथ ही आपका इंसुलिन लेवल अगर हाई हो तो ये दोनों मिक्स होकर रिएक्शन करते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में मेल हार्मोन या एंड्रोजन्स जिसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, वो ज्यादा बनते हैं। आपकी बॉडी में नेचुरली भी बनते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स, आपके बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग करने के लिए या फिर जो सेक्स ड्राइव होती है फीमेल के अंदर उसे बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में नेचुरली बनते हैं, लेकिन इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। एज अ रिजल्ट ओव्यूलेशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट आपका जो फॉलिकल होता है वो पूरी तरह से एग को मैच्योर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन पीरियड नहीं आता है, वो रप्चर नहीं होता है एंड यू मिस योर पीरियड्स। तो दो रीजन होते हैं, या तो यू मिस योर पीरियड्स काफी महीनों तक नहीं होता है, या फिर एक और जो चीज होती है दैट यू गेट एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, यानी बहुत ज्यादा बार होता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल ओवरी में ये जो फॉलिकल्स हैं इस प्रोसेस के बाद, साइकिल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको PCOS या PCOD है तो ये वहीं रहते हैं और सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, यानी ऐसे गांठें सी बन जाती हैं आपकी ओवरी के अंदर। साइकिल ये नॉर्मली होता है वो होता है 28 दिन का नॉर्मली, लेकिन 21 डेज से 40 डेज तक ये एक्सपैंड कर सकता है, 21 डेज का भी हो सकता है और 40 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि एक बार मिस हुआ या थोड़ा डिले हो गया एंड यू थिंक कि ओ इररेगुलर है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। कईयों को बहुत एक्यूरेट होता है 28 दिन एकदम, लेकिन सब में अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका उस मंथ में कितना स्ट्रेस आपकी बॉडी पे रहा है, आपकी डाइट कैसे रही है, क्या आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, तो ये सारी चीजें जो है, आप कितना ज्यादा टॉक्सिन्स के रिलेशन में आए हैं इस बीच, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, इन अ मंथ यू गेटिंग 3-4 times योर पीरियड्स, और एक स्ट्रेच में 3-4 महीने तक यू नॉट गेटिंग इट, आपके नहीं पीरियड्स आ रहे हैं, तो मतलब देर आर चांसेस कि आपको PCOS या PCOD में से कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसके साइंस क्या होते हैं? जो सबसे अर्ली साइन होता है, लोगों को लगता है कि बहुत नॉर्मल बात है, अगर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं व्हेन यू आर डाउन, या फिर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये सारे साइंस हैं, अर्ली साइंस, मतलब आपकी जो ओवरी है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और इसकी वजह से देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में आपको PCOS या PCOD हो जाए। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो नॉर्मली होता है, लेकिन इतना ज्यादा अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल बात नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन नॉर्मल बात नहीं है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दूसरे साइन इफ यू हैव PCOD PCOS, आपका एक्ने हो जाता है, क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली ऑन वन साइड, जिस ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं उस साइड में आपको पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, उस साइड में बैक में आपको क्रैम्प्स ज्यादा होंगे, उस साइड ये सारे साइंस हैं, चिन में आपको उस साइड पे ज्यादा पिंपल्स होंगे, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ज्यादा एक्सेसिव ऑयली स्किन, डिप्रेशन, मूड स्विंग, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा लो हो जाता है, इससे वेट गेन होता है। कई लोगों को लगता है कि वेट गेन से ये हुआ है PCOS PCOD, या फिर कई लोगों को लगता है कि PCOS एंड PCOD से वेट गेन हुआ है, बेसिकली इन ये दोनों चीजें वैसा वर्सा हैं।
स्पेशली फीमेल्स को जब लोअर एब्डोमिन का वेट ज्यादा या जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां फैट ज्यादा इकट्ठा होता है तो आपकी ओवरीज पे नेचुरली प्रेशर आता है। क्यों होता है ये पीसीओएस पीसीओडी? और आजकल तो बहुत अर्ली स्टेज में होने लग गया है, यंग गर्ल्स से लेकर और मीनोपॉज तक किसी भी स्टेज में ये हो सकता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एज अ यंग गर्ल मैंने देखा है कि स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं, जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आता है, एक तो मैंने कहा फीमेल्स जो होती हैं वो इमोशनली थोड़ी ज्यादा वीक होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं, लेट नाइट कॉफीज पीना, प्रोसेस्ड फूड खाना, पिज्जा का स्लाइस साथ में रख लिया। और स्पेशली वो लड़कियां जो हॉस्टल में रह रही हैं, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वो करती थी एग्जाम से पहले, वो बंद हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये आप पीसीओएस पीसीओडी जो है आपके हार्मोन जो है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से पूरी तरह बिगड़ने लग जाएंगे, थोड़े धीरे धीरे करके एंड यही रिजल्ट होता है पीसीओएस पीसीओडी। तो बहुत शुरू से आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी बेटी है तो उसे आप समझाओ कि एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड या अनहेल्दी फूड या एक्सरसाइज ना करना शुरू से ही ठीक नहीं है, स्पेशली फॉर फीमेल। उसके बाद कॉलेज में जाना, अगेन लाइफस्टाइल, जो स्पेशली लड़कियां पीजीज में रहती हैं और उनके लिए बहुत लाइफस्टाइल खराब होता है, लेट नाइट सोना, लेट नाइट तक सोशलाइज करना ऑन फोन, विच इज अगेन नॉट हेल्दी, नॉट गुड फॉर देम। फिर उसके बाद मैरिज, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लड़का नहीं मिला, फिर मिल गया तो कैसी फैमिली मिली, हर तरह से परफेक्शन चाहा जाता है, एक परफेक्ट आइडियल वुमेन हम भी बनने की कोशिश करते हैं और हमसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है। और इसीलिए ये सारा जो स्ट्रेस है, ये सारा जो एक तरह से प्रेशर है, वो पीसीओएस पीसीओडी का एक इंपॉर्टेंट कारण निकल कर आया है। जितने मैंने क्लाइंट्स देखे हैं, जितने लोगों से मैंने बात की है, उसमें सबसे जो कॉमन चीज मिली है वो मिली है मुझे स्ट्रेस, उसके बाद लाइफस्टाइल, डाइट। तो एक हेल्दी डाइट का ना होना, टॉक्सिन्स आपकी लाइफ में, टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट, उनका इम्पैक्ट बॉडी पर आता है, हार्मोन्स पर। प्लास्टिक का यूज करना, जो फीमेल्स ये हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो कंडीशनर यूज करते हैं, उसमें इस तरह का एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जिसे जेनो एस्ट्रोजन भी कहा जाता है। वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, उनसे बहुत ही मिलता जुलता होता है। वो हमारी बॉडी में वो सारे पेस्टिसाइड्स, वो टॉक्सिन एंटर करते हैं और फिर वो उनको रिप्लेस करने की, जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स हैं उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और अगेन वी गेट पीसीओएस पीसीओडी। रिजल्ट एंड रिजल्ट वही है। इंसुलिन, इंसुलिन यानी एक हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारे पेनक्रिया में बनता है, वो तब बनता है जब हमारे ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, उसे उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनता है। लेकिन जब ये बहुत मात्रा में बनता है तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और पीसीओएस पीसीओडी पर उन साइड इफेक्ट्स का या इंसुलिन के बढ़ने का, और हमारे बॉडी में इतना ज्यादा इंसुलिन बनता है कि जो सेल्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से शुगर निकाल के उसे सेल में डालने का काम होता है इंसुलिन का। तो सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शुगर लेने के बाद वो भी एक तरह से लॉक हो जाते हैं, हमें नहीं चाहिए, और तब उसे कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, यानी वो और कहीं जा नहीं पा रहा है तो आपकी बॉडी में फैट बन जाएगा। फैट जो है पीसीओएस पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उन्हें इसीलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, उनकी बॉडी जो होती है वो फैट को बर्न नहीं कर रही होती है, उनकी जो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम होता है कैलोरी बर्न करने का वो फ्लॉप हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ जाता है, हमारे इंसुलिन में प्रॉब्लम हो जाती है, एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड होता है जहां स्ट्रेस से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है वहां पे, तो स्ट्रेस से भी मोटापा होता है। और ऐसी फीमेल्स में जो बेली फैट होता है, स्पेशली लोअर एब्डोमिन जो होता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका तो पीसीओएस पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है, जो डॉक्टर सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आप क्या कर सकते हैं अपने एंड से, जो नेचुरल तरीके हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपको मेडिकेशन देते हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए, जो बेसिकली बर्थ कंट्रोल होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं एक तरह की। जो दूसरी जो आपको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, वो होते हैं ऐसे ड्रग्स जो मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स को कंट्रोल में करें, ताकि जो आपको एक्ने, हेयर फॉल या बाकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे आपको निजात मिले या उनसे आपको रिड्यूस करने में हेल्प मिले। तीसरी तरह की जो टैबलेट्स होती हैं, जिनको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, उन्हें इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए भी
टैबलेट्स या उन्हें मेडिकेशंस दी जाती हैं. कई लोग सर्जरी के लिए भी ऑप्ट करते हैं. कई लोगों को जहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन्हें सर्जरी के लिए भी सजेशंस दिए जाते हैं. इसके अलावा फर्टिलिटी ड्रग्स उन लोगों के लिए जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान, जिन्हें पीसीओएस पीसीओडी है, उन्हें फर्टिलिटी ड्रग्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. अब बात करते हैं नेचुरल तरीके की, जो हम एज अ डाइटिशियन प्रेफर करते हैं उसे कम करने की, ताकि जो मेडिकेशन है, बेसिकली जो दवाइयां जो होती हैं, जो पिल्स होती हैं, आप जो हार्मोनल्स होते हैं, सॉरी, वो अगर आप ओरली लेते हैं तो आपकी बॉडी वो हार्मोन्स बनाना या तो कम कर देती है या बंद कर देती है. तो आप पूरी लाइफ टाइम तो उन पिल्स पे, जिनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, नहीं रह सकते. तो आपका जो एम होना चाहिए लाइफ का, या अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो आपका एम होना चाहिए कि आप उन मेडिकेशंस को धीरे धीरे करके कम करें और ऐसे नेचुरल तरीके यूज करें जिनसे आपको फायदा हो. हम एक फूड लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि आप कौन से फूड, स्पेशली आप कौन से हर्ब्स ऐसे खा सकते हैं जिनसे आपको ये रिकवरी में हेल्प मिलेगा, पीसीओएस पीसीओडी से, या कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगा, या आपको क्या नहीं खाना चाहिए. तो अब बात करते हैं आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकें. एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, प्लास्टिक को ना कहें, अच्छी डाइट से, ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं. एक अच्छी डाइट आप ले सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल आपको ठीक करना, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ये हुआ है. स्लीपिंग पैटर्न को ठीक रखना है, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने रिलेशनशिप्स पर वर्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए. अगर वो अपने रिलेशनशिप पे, क्योंकि वो इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मेन, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा. शायद मेल पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए, फीमेल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा. तो अगर कुछ ऐसे बैड रिलेशनशिप्स हैं, या तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें या फिर उन्हें उन पर वर्कआउट करें. एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. और एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कह रही कि आप रेग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके अपने ऊपर एक्सरसाइज करें. नॉर्मल 30-40 मिनट्स एक दिन के अंदर आप एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ, वो बहुत है आपके लिए, काफ़ी है. लेकिन क्योंकि आपको पीसीओएस पीसीओडी है, इररेगुलर पीरियड्स हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो आप को लगता है कि एक्सरसाइज कैसे करें. डोंट वरी, आप तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक पर जा सकते हैं. सिर्फ वो एक्सरसाइज अवॉइड करें जहां पे आपके पेल्विक एरिया, यानी जो लोअर एब्डोमिन है, उस पर प्रेशर आ रहा है. ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है और इसी की वजह से वेट गेन होता है. लोअर एब्डोमिन पर जो वेट आता है वो आपके सीधा ओवरीज पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम होती है. अगर आपने एक लंबे टाइम तक पीसीओएस और पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया या नज़रअंदाज किया, या आप उससे सफ़र हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं. उसमें इनफर्टिलिटी सबसे ऊपर है, उसके अलावा डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बिगड़ सकता है, आपको हाई बीपी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, और आगे जाकर ओल्ड एज में कैंसर तक हो सकता है इस बीमारी से. तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. आई होप कि ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आपको इसे समझने में और इसे क्योर करने में भी हेल्प होगा. आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्द ही हम आपको दोबारा से मिलेंगे लेकर डाइट प्लान फॉर पीसीओडी पीसीओएस, और साथ ही बताएंगे कि कुछ टिप्स जिससे आप ना सिर्फ इसे कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इसे रिवर्स या खत्म भी कर सकते हैं. तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. थैंक यू.